राम राम भाइयों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। दोस्तों सुबह का टाइम है यार, कल मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया था यार, क्योंकि निचल की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी यार, तो डॉक्टर के पास चला गया था भाई, वहीं पे बीजी हो गया था। तो आज मैंने सोचा भैया सोच हुआ एक वीडियो बना लो यार, कसम से। और यार सालू तो अभी नाश्ता बना रही है, थोड़ा सा मुझे ऑफिस लेट जाना था। अब निचल की थोड़ी तबीयत ठीक हो गई यार, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया, और चेस्ट में भी इसको इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर के पास ले गया था यार, बहुत ज़्यादा बलगम जम गया भाई। मैं क्या बताऊँ यार, दिल्ली का ऐसा मौसम हो रखा है ना यार, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन मैंने भाई नोएडा में नहीं देखा था, जहाँ हम रहते थे। ये देख रहे हो, धुंध छाया हुआ है यार पूरा, ये पॉल्यूशन की धुन है भाई। इतनी तगड़ी पॉल्यूशन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। निचल का तो स्कूल बंद हो गया भैया 2 दिनों के लिए, क्योंकि दिल्ली में जितने भी पहले से लेके 5वीं तक के स्कूल थे ना, सारे बंद हो गए। तो भैया हम लोगों ने ना गेट लगा लिया, पर्दे लगा दिए यहाँ पे, ताकि ना बाहर से ज़्यादा पॉल्यूशन ना आए। और निचल को बोल दिया भैया घर से तो निकलियो मत, ऐसे तो निकलता नहीं है, क्रिकेट का शौकीन लड़का है, क्रिकेट विकेट देख लेगा। अभी बोला पापा मेरे तो छुट्टी है भैया, मेरे तो मज़े आ गए। मैं बोला बेटा मज़े नहीं आ गए, 5वें फ्लोर पे रहते, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यहीं पे आएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम दोनों सालों ने और मैंने डिसाइड किया ना भैया कोई इंडोर प्लांट लाने के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा प्लांट लेके आऊँ। सालू को तो नॉलेज है प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन उतना कुछ खास नॉलेज उसको भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे एक पास में एक दुकान है, तो शायद मैं वहाँ पे जाके मैं कोशिश करूँगा भाई लेके आ जाने के लिए भैया, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा भाई। गले में ना बिल्कुल खिच खिच लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है कि क्या जलन सी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। और भैया मैंने तो एप्पल को निकाल के रख दिया था यहाँ पे, क्योंकि फ्रिज से ठंडा था, तो डॉक्टर ने बोला इसको ठंडा एप्पल नहीं देने के लिए। भाई हम दोनों कल इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, कुछ पूछने के लिए नहीं यार, निश्चल की ऑटोमेटिकली तबीयत कैसे ख़राब हो गई। लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे पहले ये नोएडा में रहता था, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा, बहुत दूर रहते थे हम, थोड़ा सा आउटर नोएडा में, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था। अब ये दिल्ली में आया था, थोड़ा सा अजॉब्स हो रही है इसकी बॉडी, तो इसलिए शायद इसको पॉल्यूशन हो गया। और प्लस ये स्कूल जाता था, मास्क लगा के जाता नहीं था, बच्चे भी फीवर में थे, 1-2 बच्चे थे इसके फीवर में। और रही दूसरी बात है कि ये जब भी सुबह के टाइम जाता था ना, तो रोड पर झाड़ू लगती रहती थी, तो वहाँ से ना इसको पॉल्यूशन आ गया, इसके अंदर ना बिल्कुल बलगम सा जम गया। तो अब डॉक्टर ने दवाई ववाई दी है। और भैया ये छोटा सा ना, हम कल हम लोग ने स्टीम लेके आ गए, तो इसी में ना अजवाइन का पानी और साथ में थोड़ा सा भिक्स लगा के दे रहे। और दिन में डॉक्टर साहब ने बोला 2 से 3 बार इसको देने के लिए, अजवाइन और भिक्स के पानी का जो होता है ना स्टीम, वो देने के लिए है ना सालू। और इसके लिए तो भैया निश्चल के लिए तो तोड़ी की सब्जी बनने की, कुंडरू की भुजिया तो खाएगा नहीं, तो सालू बना रही है भैया तोड़ी की सब्जी, तो इसको तोड़ी की सब्जी अच्छी लगी। भैया 2 दिन इसको बुखार में तपता रहा था यार, पूरे दिन में बुखार नहीं, सुबह सुबह बुखार चढ़ रहा है यार इसको, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मैं पागल हो गया यार। यार कसम से जब से दिल्ली में आया है ना भाई, बीमारी में इतना खर्चा हो गया ना यार, कसम से यार मैं क्या बताऊँ, 10 से 12 हज़ार रुपये मेडिसिन और डॉक्टर में लग गए भाई। ये गरीब इंसान कहाँ से लाएगा यार इतने पैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। पता नहीं, मुझे तो अपने फैसले पे ना बड़ा वो हो रहा है यार, हमें दिल्ली में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। सालू भी बोल रही थी कल, तो यार मैं रोने लगा था सुबह सुबह, बिल्कुल हौसला हार गया था। फिर मेरी जो थोड़ी सी बड़ी बहन है, उसने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है बच्चों में प्रॉब्लम, ऐसे कोई टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बस यही है भैया, थोड़ा घर वर को लगा के रखे हुए हैं ताकि बाहर से पॉल्यूशन ना आए। और लड्डू गोपाल जी भी भैया हमारे यहीं पे बैठे हुए हैं, आराम से बोल रहे हैं कि पापा जी बड़ी पॉल्यूशन हो रही है भैया, कहते ही चलो ग्रीन एरिया के अंदर तुम भी। मैंने बोला बेटा अब कहाँ जा रहे ग्रीन एरिया में, है सालो लाइट वाइट जला दे यार, खांसी होने लगी भाई मुझे यार। मैं तो यार सोच रहा हूँ कि मूंछ काटूँ कि नहीं काटूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सालू बोली आप ना मूंछ काट लो, कि जब भी आप मूंछ रखते हो ना घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, ये मूंछ है मेरी अशुभ है, है सालू ओए। अरे देख तो सही, देखिए वो मूंछ अशुभ है क्या है, ये देखो। मैं पता नहीं, आज समझ नहीं आ रहा भैया कि मूंछ रखनी है कि नहीं रखनी है। निचल बताएगा, निचल मूंछ रखनी है कि नहीं रखनी है भैया, देख लो कितना पतला हो गया बेचारा, बहुत ज़्यादा यार तरस आ जाती है लोंडे पे कसम से। कल तो इंडिया का मैच भी बेचारा पूरा नहीं देख पाया था, कि दादाजी ने बोला था इसको ज़्यादा टीवी नहीं देखने के लिए, डॉक्टर साहब ने बोला था ज़्यादा टीवी भी नहीं देखेगा, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा सा देख रहा था मैच। और कल तो भैया इसके इंडिया जीत गया, खुशी के मारे ना लोंडा खुश हो गया, अरे इंडिया तो ऑल आउट हो गई। और निश्चल तो खुशी से झूम गया, बोला पापा अब तो श्रीलंका से इंडिया मैच जीत गई और इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई। मैं बोला हाँ बेटा इंडिया फाइनल भी जीत जाएगी, टेंशन मत लिया कर, तू टेंशन बहुत लेता है यार क्रिकेट का, पता नहीं यार कुछ समझ ही नहीं आता यार।
अरे यार मुझे तो यार मुझे ड्यूटी भी जाना है, आज थोड़ा सा लेट नाइट क्लास है, तो मैं यहाँ से 1 बजे निकलूंगा और 2 बजे तक पहुँचूंगा, फिर रात को 9:30 बजे वहाँ से निकलूंगा, 10:30 तक आऊँगा। तो भैया 10 10:30 बजे घर से आएंगे। मैं बोला तब तो भैया गेट वेट लगा के रखियो भैया, पॉलिसन वॉलिसन आना नहीं चाहिए भैया घरों के अंदर। कसम से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। मुझे तो भूख लग रही है, तो सालू को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा भैया, गैस वैस भी ख़त्म होने वाली है, पता चले गैस कब ख़त्म हो जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर मैं सोच भाई ख़त्म हो जाने दे, क्योंकि नोएडा में जब हम रहते थे उधर तो गैस हम आधा 1 किलो ज़्यादा दे देते थे उसको, लेकिन अब यहाँ पे ना रात के 11 बजे तक गैस की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो मैंने बोला जब ख़त्म हो जाएगी तो हम गैस सिलेंडर मंगा लूँगा मैं। तो अभी तो मैंने उसको नोटिफाई नहीं किया है, ठीक है ना, उसको बोला भी नहीं है कि गैस दे जाने के लिए। अरे तो मम्मी बना रही है ना, थोड़ी देर बन जाएगी रोटी यार, क्या दिक्कत है? क्या आज? अरे आज मेरा मैच है। अरे मैच है तो क्या हो गया भैया, मैं देखूंगा नहीं। आज कोई मैच नहीं है इंडिया का, इंडिया का 5 तारीख को मैच है साउथ अफ्रीका के साथ। अरे इंडिया हार जाएगी देख लेंगे। अरे यार ये सारे मैच ऐसे देखता है जैसे इंडिया के मैच चल रहे हैं। हाँ इंडिया का मैच, जितने भी वर्ल्ड कप के मैच है ना सारे मैचेस को देखेगा, और जब भी इंडिया और किसी टीम का होगा ना ये उल्टा चेयर करता है, यानी जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका होगा तो साउथ अफ्रीका को करेगा चेयर, और फिर लास्ट में बोलेगा पापा देखो इंडिया जीत गई ना, यानी ये अपना एक कहते हैं ना नुखे होते हैं, क्या होते हैं, एक जो एक अंधविश्वास टाइप का जो होता है, जैसे कहते हैं कि अपोजिट टीम को सपोर्ट करता है और फिर उसको इंडिया जीत जाती है। भैया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, अभी सालू ने सफाई वफाई नहीं किया तो घर में बेडशीट वेडशीट ऐसी ही है यार। मैंने सोचा जब मैं आए, अरे टैडी भैया तो सो रहे हैं, कतई नींद आ रही है इन्हें, दिन में ही सोते आते हैं। मैंने सोचा जब मैं आउटडोर प्लांट लेके आऊँगा ना तो भैया यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच रही है ना, तो यहाँ पे मैं आउटडोर प्लांट को लगा दूंगा यार, यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सोते भी हैं तो थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाएगा। यार इतने पैसे तो है नहीं जो हम लोग एयर प्योरीफायर लेके आए, तो मैंने सोचा भैया आज प्लांट लेके आना है, चाहे कहीं से भी लेके आए लेकिन लेके ज़रूर आना है सालों, चाहे कुछ भी हो जाए भैया प्लांट तो लेके आना है। है हाँ सालू ने बताया है, तो मैं जाऊंगा 11:30 बजे लेने के लिए, नाश्ता वास्ता करके। टेडी भाई के मैंने सुलाया था। हैं टेडी भाई ने मैंने सुलाया। तू जग गया, टेडी भाई सो रहा है। हाँ भाई निश्चल। हाँ। अरे गजब है लौंडे। हाँ भैया ओए होए क्या बात है निश्चल, निश्चल तुम मजे ले रहा, तो जिंदगी के असली वाले। 2 दिन की छुट्टी पड़ गई पॉलिसी कार्ड ले, लेकिन बेटा बाहर मत निकलियो इस बार भैया दिवाली में ना। हम लोग पहले बात तो शुरू से ही पटाखे वटाखे कभी जलाते नहीं है, लेकिन इस बार तो सोच रहे हैं कि पहले फुलझड़ी भी लेके आते थे, अब तो फुलझड़ी भी लेके नहीं आनी, पिछले साल भी लेके नहीं आए क्योंकि मम्मी का ऐसा हो गया था। फोड़ना है एक तो पैसों में आग लगाने के बराबर, साथ में बीमारी, बीमारी वो वही बात है कि पैसा देके बीमारी खरीद। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, मैं तो बोला दुनिया में जितने पटाखे ना सब पे बैन लगा दो भैया, पॉल्यूशन इतनी हो रही है यार कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, हमारी बॉडी अजॉर्ब नहीं हो पा रही है यार। मास्क भी लेके आ गया था यार मैं, N95 N95 मास्क लेके आ गया था यार, बिल्कुल यार इसी को लगा के जाऊंगा भाई, क्योंकि अभी भी न्यूज में देख रहा था ना, बोला था जब जरूरत हो तभी घर से निकले, भाई हमें तो जरूरत है यार, हमें तो ऑफिस जाना पड़ेगा। अब ये दोनों माँ बेटा तो घर में ही रहते हैं, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अब उनको प्रॉब्लम आ जाएगी निश्चल। भैया मुझे तो अभी नहाने के लिए जाना है, लेकिन यार टंकी में पानी वानी तो है नहीं यार, अभी जाके मोटर चलाऊंगा यार, मुझे बड़ा थोड़ा सा ना यार आलस सा लगता है यार, 5वें फ्लोर से नीचे जाओ फिर यार मोटर चलाओ, यार दिमाग खराब हो रहा भैया, 5वें फ्लोर पर कमरा लेके ना यार घुटनों की तो बैंड बज गई है यार, समझ नहीं आता भैया क्या चल रहा है ज़िंदगी में क्या नहीं चल रहा। लेकिन वही कहा बात है ना, जहाँ रोजी रोटी रहती है यार वहाँ तो आपको रहना ही पड़ता है, लेकिन यार भैया 5वें फ्लोर पर थोड़े से फिट तो हो गए यार रह रहे के, लेकिन घुटनों की वॉट लग चुकी है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रही है ज़िंदगी के अंदर। ठीक है भैया तो मैं जा रहा हूँ मोटर चलाने के लिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो इस ब्लॉग को, तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। ठीक है दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।